हे गाइस बिटू आईडी है। तो फाइनली मैं मीना सर्वर में आ चुका हूँ वाइट टेपल फॉर और मेरे वर्सेस के लिए। एंड ये एक ऑफिशियल कस्टम मैच हो रहा था हम दोनों के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मीना सर्वर में आया हूँ बहुत सारे मैचेस खेलने। एंड गाइस यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इंडिया की तरफ से। एंड देखते हैं ये चैंपियनशिप कौन जीतने वाला, तुम्हारा भाई जीतने वाला है वाइट टेपल फोर जीतने वाला। तो गाइस मेरा जो पहला मैच हुआ है वो अभी वाइट टेपल फोर के साथ हुआ है एंड मेरे और भी मैचेस होने वाले हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? एक तरफ था मैं मतलब बिटू आईडी एंड एक तरफ था हमारे व्हाइट टेपल फोर। एंड आपको पता होगा कि वन वर्सेस वन में व्हाइट टेपल फोर को अभी तक वर्ल्ड में कोई भी नहीं हरा पाया है। मतलब यहाँ पे व्हाइट टेपल फोर के जीतने के चांसेस पूरे 100% थे क्योंकि वन वी वन में वो बंदा आज तक नहीं हारा। आपको पता होगा विंसेंजो वगैरह इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ उसका वर्सेस हुआ लेकिन आज तक नहीं हारा। एंड गाइस यहाँ पे हमारा फाइनल मैच मतलब फाइनली हमारा मैच चालू हो चुका था। स्टार्टिंग में व्हाइट टेपल फोर शायद एमुलेटर क्लास को एक तरफ से गाइस मैं देखो कंटिन्यू फायर दे रहा हूँ व्हाइट टेपल फोर ऊपर पीक का मतलब उसको हाइट का एक एडवांटेज था। जैसे तैसे मैं करके ऊपर आया मतलब वो इतना फास्ट मूवमेंट दिखा रहा था मैं भी पीसी पर हूँ बट मैंने भी जब खेल के देखा ना सब पता चलता कि इतना फास्ट तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने अपना बेस्ट दिया था। जैसे उसको मारने का ट्राई किया था मैंने अच्छा खासा व्हाइट टेपल फोर को डैमेज दे दिया था बट व्हाइट टेपल फोर ने मेरे को हेडशॉट ले लिया मतलब फर्स्ट राउंड में मेरे को ले लिया एंड वो अलग ही लेवल पे शॉट्स मारा था। एंड गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना कि ये जो चैंपियनशिप हो रही है इसमें तुम्हारा बिटू आईडी भाई कितने नंबर पे आएगा? फर्स्ट आने के चांसेस हैं मतलब टॉप थ्री टॉप फोर कुछ तो आपको लगता होगा ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पूरा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तुम्हारा भाई अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया है बाहर की चैंपियनशिप में तो प्लीज वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड शेयर करना मत भूलना। दो राउंड हो चुके हैं दोनों राउंड व्हाइट टेपल फोर जीता है। थर्ड राउंड में तुम्हारा भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है एंड तुम्हारे भाई के पास ना एक सीक्रेट प्लान था। एंड आपको पता होगा ऑफिशियल कस्टम में कभी भी हैक यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अगर कुछ भी बंदे गड़बड़ करते तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे मेरे को फाइनली पता चल गया था कि व्हाइट टेपल फोर हैकर नहीं है मतलब इसमें तो हैक यूज नहीं करता। लेकिन भाई उसने मेरे को यूएमपी से स्कोप हेडशॉट लेगा मतलब अलग ही लेवल खेल रहा था व्हाइट टेपल फोर। एंड अगर वो बिना हैक के इतना बेस्ट खेल रहा है तो भाई मेरे को नहीं पता उसकी वीडियोज में क्या होता है बट ऑफिनो इतना भयंकर खेल रहा था। तीन राउंड हो चुके थे एंड गाइस अभी तक मेरे को पता आप लोगों में से ज्यादातर बंदों को क्या लग रहा होगा। एंड गाइस जब तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम बाहर के सर्वर में खेलने गया तो फर्स्ट चीज मैंने उसको इस राउंड में ना डैमेज दिया था बट मेरा फेक डैमेज आया था बिकॉज मैं बाहर के सर्वर में खेलने गया था तो मेरा पिंग थोड़ा हाई चल रहा था एंड व्हाइट टेपल फोर का पिंग नॉर्मल चल रहा था। ऑलमोस्ट मैं खेल रहा था कम से कम 180 190 200 तक के पिंग में एंड अभी 4-0 कर दिया था व्हाइट टेपल फोर में मतलब इतना गंदा मार रहा था ना। लेकिन 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 गाइस कहते हैं ना हर पिक्चर में एक विलन विलन होता है, तुम्हारा भाई वो विलन है इस मूवी के अंदर हमारी व्हाइट टेपल फोर एंड बिटू आईडी के अंदर। अभी तुम्हारा भाई ना व्हाइट टेपल फोर को जीतने दे रहा है एंड अभी ना देखो एक होता है ना कि अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि जब सामने वाले बंदे को लगे कि वो जीत रहा है मतलब जीत ही जाएगा 100% तब उसके आगे जीत के दिखा दो ना तो अलग ही फील आता है मतलब सामने वाले बंदे की बोलती बंद हो जाती है। एंड तुम्हारा भाई कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा था, तुम्हारा भाई प्लान कर रहा था 6-0 मेरे को व्हाइट टेपल फोर अगर हरा दे एंड मैं 6-0 से उससे बदला लेना चाह रहा था लाइक उसको भी लगे कि हाँ इंडियन सर्वर में भी ऐसे बंदे जो ऐसा कमबैक कर सकते हैं जिसने उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। एंड यहाँ पे हम लोग ऊपर रहते तो एक दूसरे की ग्लू वॉल में फंस जाते हैं तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो बहुत गंदा फंसे तो हम ग्लू हटाने में लगे हुए थे। एंड गाइस लास्ट मूवमेंट मतलब जब ये मैच खत्म होता है ना तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है व्हाइट टेपल फोर मेरे को यहाँ पे भी ले जाता है एंड आपको लग रहा होगा बिटू आईडी मर रहा है मतलब फिर भी इतने अच्छे से बता रहा बट गाइस लिटरली सीरियसली मानो वीडियो पूरा एंड तक देखना आपको इस वीडियो में वो रिलैक्सेशन मिलेगा ना मतलब इतना हैप्पी फील करोगे कि इंडिया वर्सेस मीना सर्वर होना चाहिए। एंड आपको पता होगा कि व्हाइट टेपल फोर से आज तक मीना सर्वर ही नहीं इंडियन सर्वर मतलब फ्री फायर के अंदर जितने भी सर्वर है ना व्हाइट टेपल फोर से कोई भी नहीं जीत पाया 1v1 एंड व्हाइट टेपल फोर को 1v1 का गॉड बोल सकते हो एक तरह से। एंड यहाँ पे व्हाइट टेपल फोर फाइनली मेरे को 6-0 ले जा चुका था। एंड यहाँ पे स्पेक्टेटर में गाइस विंसेंजो बीएनएल मतलब इतने सारे सारे प्लेयर थे ना वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे एंड तुम्हारे भाई का उनकी बात तो मतलब देखो थोड़ा बहुत तो समझ में आया वो बोला कि इंडियन प्लेयर मतलब मेरे को नो बुक टाइप का कुछ ऐसा सीन था कि मैं नहीं जीत सकता ऐसा बोल रहे थे। एंड गाइस अब तुम्हारे भाई ने कमबैक किया, आप देखो तुम्हारे भाई की स्पीड अलग ही लेवल हो रही है, मूवमेंट देखो गाइस यहाँ पे कितना फास्ट मूवमेंट कर रहा है। मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे मैंने एक वन टैप मारा एंड सेकंड पूरा रेड नंबर एंड यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जीत गया बट यहाँ पे वो जो स्पेक्टेटर में इतने सारे ओपी ओपी प्लेयर्स बैठे ना वो कह रहे कि चलो लकीली वन राउंड तो किया एंड ये मैच 7-0 नहीं होगा 7-1 होगा मतलब वो सोच रहे थे कि अभी भी मैं हार सकता। बट आपको पता नहीं है कि बिटू आईडी एक ऐसा बंदा है मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना पूरे वर्ल्ड में 6 टाइम ग्लोबल टॉप 1 करने वाला मतलब ग्लोबल का नंबर 1 प्लेयर के वर्सेस हो रहा है व्हाइट टेपल फोर के साथ। एंड देखो
इतनी आसानी से तुम हारने वाला नहीं हो। एंड गाइस बेसिकली ये ऑफिशियल मैच हो रहा था हमारा दूसरे सर्वर, तो बेसिकली इसमें ना कैरेक्टर स्किल बना थी, गन की प्रॉपर्टी भी बना दी, एंड इसलिए हम लोग एडम लेके खेल रहे थे क्योंकि कोई कैरेक्टर स्किल नहीं होने वाली थी एंड कोई भी वो नहीं होने वाली थी, क्या कहते हैं गन की प्रॉपर्टी। तुम्हारा भाई ना डेजर्ट से इतनी दूर से हेडशॉट लेकर ना भाई टिपल फोर ने सोची भी ना होगी। एंड गाइस इसमें मतलब इस कस्टम को खेलने में एक अलग ही मजा आ रहा था। देखो अब तुम्हारा भाई दो राउंड जीत चुका था एंड मेरे को अभी भी पता था कि मेरे को जीतना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया हूँ तो हार के नहीं जा सकता। बट उससे पहले मेरे को एक चीज और कंफर्म करनी थी। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जो हमारा स्पेक्टेटर था ना, आप देखो ये कस्टम का, वो जब से सही से कस्टम सेट भी नहीं कर पाया तुम्हारा भाई इतने में तो रेड नंबर देके निकल भी गया। मतलब व्हाइट टेबल फोर को पता भी नहीं चला मैंने कब रेड नंबर मार दिया। एंड यहाँ पे फाइनली तीन राउंड जीत चुका था। व्हाइट टेबल फोर अपना गंदा मूवमेंट दिखा रहा था। एंड गाइस व्हाइट टेबल फोर आपको पता होगा आज तक मैच नहीं हारा, तो आज इतिहास चेंज होने वाला है। आज व्हाइट टेबल फोर को हराना है हमें कैसे भी करके, वो भी इंडिया के हाथों। तुम्हारा भाई डेजर्ट से व्हाइट टेबल फोर निकल आने की हेडशॉट वो खा चुका। व्हाइट टेबल फोर यहाँ पागल हो चुका था, मतलब अंदर ही अंदर उसको लग रहा होगा कि ये चार राउंड कैसे जीत गया ये नूपड़ा बंदा। लेकिन उसको एक चीज़ नहीं पता कि हम ग्लोबल वाले प्लेयर की एक खासियत होती है, हम स्टार्टिंग तक ऐसा दिखाते हैं कि हमें खेलना नहीं आता लेकिन लास्ट मोमेंट में वो चीज़ करके जाते ना, इसलिए जितने भी ग्लोबल के टॉप प्लेयर होते हैं ना उनको गेम चेंजर बोला जाता है। एंड तुम्हारा भाई वो गेम चेंजर था ना जिसने लास्ट मोमेंट पे आके गेम बनता है। चार राउंड जीत चुका है व्हाइट टेबल फोर, एकदम पागलों की तरह वो मेरे ऊपर रश मार चुका था। तुम्हारा भाई भी पागलों की तरह रश मार रहा था, मतलब इतना खतरनाक हो चुका था ना मैं, दोनों मतलब इतनी फास्ट ग्लू प्लेसमेंट कर रहे थे, मौका नहीं दे रहे थे पीक देने का। तुम्हारे भाई ने सिर्फ एक कफन बांध लिया था कि अब तो इंडिया को जीत के ले जाना है। एंड सिर्फ यही मैच नहीं, जो ये पूरी चैंपियनशिप है उसमें तुम्हारे भाई को ही जीतना है। चैंपियनशिप की मैं गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ पे तुम्हारा भाई व्हाइट टेबल फोर को एक और ओपी नंबर ले गया, 6-5 हो गया। एंड इस टाइम पे ना जितने स्पेक्टेटर थे ना, इतने मतलब अलग अलग यूट्यूबर एंड प्लेयर, वो इस वक्त ना मेरी तारीफ कर रहे थे व्हाइट टेबल फोर की जगह। एंड व्हाइट टेबल फोर का वॉइस तो मैंने भी नहीं सुना अभी था, लेकिन मेरे को इतना तो समझ में आ चुका था कि व्हाइट टेबल फोर, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे थे ना, मेरे को ओरिजिनल व्हाइट टेबल फोर की वॉइस समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इतना पता चल चुका था अभी वो लोग मेरी बहुत गंदी वाली तारीफ कर रहे थे। एंड उन्हें लग रहा था कि व्हाइट टेबल फोर मैं जीत ना जाऊँ, लेकिन कुछ बंदे कह रहे थे कि व्हाइट टेबल फोर आज तक नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट में वही जीतेगा। मैंने कहा था भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके तो मैं बताता हूँ कि इंडियन प्लेयर में भी कितना दम है। एंड योर फ्रेंड मतलब तुम्हारे भाई भी टी ग्लोबल का नंबर वन प्लेयर है, ऐसे तो नहीं हारने वाला। एंड आप लोग सोच रहे हो कि अभी रैंक पुश क्यों नहीं कर रहे गाइस, तो अभी मैं ये चैंपियनशिप में बिजी हूँ तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है मुझे, इस वजह से मैं अभी रैंक पुश नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा मेंटेन है लेकिन उसको कंटिन्यू करूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारा भाई तुम क्या चाहते हो, अभी मैं रैंक पुश करूँ जो मैं हर सीजन टॉप वन कर सकता हूँ बहुत ईजिली, या फिर चैंपियनशिप में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके आऊँ वर्ल्ड लेवल पर फाइनली 6v6, मतलब तुम्हारा भाई मैच को पीक पॉइंट तक लेगा। मतलब जहाँ तक क्लियर था कि तुम्हारा भाई हार जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा भाई मैच को जीतने की कगार पे लेके आ गया। एंड इस मोमेंट तक ना सामने वाले जितने भी प्लेयर थे ना, ये मोमेंट को ना सब लोग देख रहे थे एंड सब चौंक रहे थे कि इतिहास मतलब फ्री फायर की हिस्ट्री में क्या आज व्हाइट टेबल फोर हारने वाला है या फिर एक इंडियन प्लेयर ये मैच जीतने वाला। एंड अभी भी 90% बंदे बोल रहे थे कि व्हाइट टेबल फोर ने, मतलब 10% बंदे बोल रहे थे कि व्हाइट टेबल फोर जीतेगा, बट 90% बंदे बोल रहे थे कि व्हाइट टेबल फोर शायद हार सकता। मतलब फ्री फायर की हिस्ट्री में मैं मीना सर्वर में जाके मीना सर्वर वाले बंदों के सामने खेल के उनको यकीन दिला दिया कि V2YT जीतेगा। एंड यहाँ पे ना व्हाइट टेबल फोर को मैंने MP40 से इतना गंदा गंदा वन टैप मारा ना, एंड फाइनली यहाँ पे उसको मेडिकेट दे देता हूँ, उसने गलती से फायर दे दिया था, उसको मेडिकेट चाहिए थी एंड मैंने यहाँ पे मेडिकेट दे दी। मतलब वो बंदा जिसने आज तक कभी कस्टम में मेडिकेट नहीं डाली, इस मोमेंट पे डालना पड़ा क्योंकि ये पीक पॉइंट था। तुम्हारा भाई ना इतना गंदा मार रहा था ना कि भाई अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। अब यहाँ पे देखने का, यहाँ पे व्हाइट टेबल फोर ने ऑलमोस्ट पूरा डैमेज दे दिया था, सभी लोग यहाँ पे सन्नाटा छा गया था। तुम्हारा भाई फाइनली मैच को जीत जाता है एंड भाई हिस्ट्री में पहली बार व्हाइट टेबल फोर को तुम्हारे भाई ने हरा दिया। तो गाइस एक लाइक एंड एक शेयर बनता है, इंडियन प्लेयर को सपोर्ट किया करो यार। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।